नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो है हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2018 2018 का पेपर। आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करें, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी दे दूं कि कल हमने 2019 के पेपर को सॉल्व करके उसका वीडियो डाला था। वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साथ में जब मैंने उसका सॉल्यूशन किया था तो पहले क्वेश्चन का पहला जो था, मतलब अनसीन पेज, मतलब पैराग्राफ में पहला क्वेश्चन था जिसमें ये कहा गया था कि यंगस्टर के द्वारा कौन सी किताबें पढ़ी जाती हैं। तो बाय मिस्टेक मैंने उसमें बता दिया है हिस्ट्री बुक्स, है ना, हिस्टोरिकल बुक्स। तो उसका आंसर पहला नहीं, उसका आंसर होगा सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स। क्या होगा? सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि अन्य जानकारियाँ और अच्छे से आप इस पेपर को हल कर पाएँ। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, जैसे 2020 का, 2019 का और 2018 का अभी हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। चलिए पहला सेक्शन है, तो पहले सेक्शन में दिया गया है रीडिंग। रीडिंग मीन्स इसमें कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग रहती है। अब कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग क्या होती है? कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना रहता है, और दूसरा रहता है एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट भी रहता है ना। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं, ये अनसीन पेज दिया गया है। इस अनसीन पेज को आप पढ़ोगे तो इसमें राष्ट्रीयता के बारे में बताया गया है, नेशनलिज्म के बारे में, है ना। इसको आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसका सिर्फ इनके क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। जैसे पहला दिया गया है नेशनलिज्म इज ए सिंबल ऑफ, तो नेशनलिज्म जो है किसका प्रतीक है, सिंबल मतलब प्रतीक होता है, तो इसका होगा ग्रोथ। किसका प्रतीक है? ग्रोथ का प्रतीक है। पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर टू है, कल्चर इज इसेंशियली गुड बट बिकम्स स्टेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो क्वेश्चन नंबर सी है, वी कैन फाइंड बैलेंस व्हेन वी टर्न टू इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड स्टार्व इन द पेजेस मीन्स, पैराग्राफ में एक वर्ड दिया गया स्टार्व, स्टार्व का क्या मीनिंग होता है? तो स्टार्व का अर्थ होता है भूखमरी के कारण मरना। तो यहाँ पर दिया गया है टू डाई ऑफ हंगर, हंगर मतलब भूख, भूख के कारण मरना। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेहरू नेशनलिज्म इज ए फिनोमिनॉन, तो नेशनलिज्म जो है वो क्यूरियस फिनोमिनॉन है ना। देखिए पहली पैराग्राफ की पहली ही लाइन में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है नेशनलिज्म ऑफ कोर्स इज ए क्यूरियस फिनोमिनॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द वर्ब फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, कंक्लूजन की वर्ब फॉर्म क्या होगी? तो कंक्लूजन क्या है? एक नाउन है ना, और नाउन में जनरली आई ओ एन रहता है लास्ट में, तो इसकी जो वर्ब फॉर्म होगी वो होगा कंक्लूड, निष्कर्ष निकालना। कंक्लूड का अर्थ होता है निष्कर्ष निकालना, और कंक्लूजन का अर्थ होता है निष्कर्ष या उपसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जी, इट इज़ फुली टू टॉक ऑफ कल्चर वैन, मतलब कल्चर के बारे में बात करना मूर्खता है यदि ह्यूमन बींग्स स्टार्व एंड डाई, यदि मानव जाति भूखमरी भूखमरी से मर रही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द नाउन फॉर्म ऑफ टॉलरेट, टॉलरेट की नाउन फॉर्म क्या होगी? तो टॉलरेट की नाउन फॉर्म होगी टॉलरेंस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा, है ना। और जो नाउन फॉर्म होती है उसमें लास्ट में एन सी ई भी लगता है, टी आई ओ एन भी लगता है। अभी जल्द ही हम आपके लिए, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स वर्ब से एडजेक्टिव नाउन है ना, या वर्ब किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पर भी मैं वीडियो बनाने का जल्दी ही प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप तक उस वीडियो को पहुंचा पाऊँ। ठीक है दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स देने वाला हूँ जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड हेल्पफुल होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, व्हेन डज ए सोसाइटी बिकम स्टैटिक, सोसाइटी स्टैटिक कब हो जाती है? तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में मैं आपको बताता हूँ इसमें दिया गया है, ये यहाँ पर दिया गया है, इसको पूरा आप पढ़ोगे, जिसे दिया गया है विच इज इसेंशियली गुड बिकम्स नॉट ओनली स्टैटिक बट अग्रेसिव एंड समथिंग डेट ब्रीड्स कॉन्फ्लिक्ट एंड हेट्रेड। ऐसा कब हो जाता है?
वेन लुक एट फ्रॉम ए रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन से ही लिखना है हमें। क्वेश्चन से कैसे शुरुआत करेंगे? क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे, वेन ए सोसाइटी बिकम्स स्टैटिक, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सोसाइटी बिकम स्टैटिक वेन लुक्ड एट फ्रॉम ए रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। लास्ट वाला क्वेश्चन है वीडियो का, अकॉर्डिंग टू नेहरू इट इज़ फुली टू टॉक अबाउट कल्चर आर गॉड, मतलब कल्चर और गॉड के बारे में बात करना मूर्खता है, यदि ऐसा हो तो कैसा हो। देखिए आप पैराग्राफ में लास्ट में दिया गया है, माफ़ कीजिएगा, लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है, इट इज़ ए फुली टू टॉक ऑफ कल्चर आर इवन ऑफ गॉड व्हेन ह्यूमन बींग्स स्टार्व एंड डाई, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर करना है, ताकि वह भी इससे फ़ायदा ले सके और अपनी अच्छे से तैयारी कर पाए। हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th की जो आपकी इंग्लिश है, इस इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ग्रामेटिकल पोर्शन, राइटिंग स्किल, है ना, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के जो भी मटेरियल हैं, वो सारी चीज़ें हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है, प्रीवियस ईयर के पेपर, हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर सब। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, वो प्रश्न दिए गए हैं नोट मेकिंग समरी, है ना, नोट मेकिंग समरी और सुटेबल टाइटल को फाइंड आउट करना है। तो नोट मेकिंग समरी क्या होता है, कैसे इसको हम बनाते हैं, ठीक है, समरी कैसे लिखते हैं, टाइटल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एब्रीविएशन हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें यदि आप पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से हमने वीडियोस बनाए हैं, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना, विथ एग्जांपल मीन्स उदाहरण भी करवाए हैं, है ना, तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है नोट मेकिंग एंड समरी, इसके नाम से वो प्लेलिस्ट है, तो उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट मेकिंग एंड समरी की लिंक भी डाल दी है, ठीक है, तो उस लिंक से भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए, लिंक में भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में, साथ ही प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद भी यदि किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन बी की बात करें, तो सेक्शन बी में जो आता है, वो राइटिंग स्किल से रिलेटेड आता है। राइटिंग स्किल से रिलेटेड मतलब इसमें आपके लेटर, एप्लीकेशन, पोस्टर, कंपोजिशन, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है ना, तो राइटिंग स्किल की मैं बात करूं, तो राइटिंग स्किल की भी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें प्रीवियस मींस लास्ट 5 ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार पूछे गए हैं, उनको मैंने प्लेलिस्ट में हिंदी एक्सप्लेन करके डाला हुआ है। तो राइटिंग स्किल की प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर देखें, उसमें ये सेक्शन बी के आपके सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ यदि छूट भी गए हैं, तो उनको भी हम आपकी एग्ज़ाम आने तक कवर कर देंगे जल्द ही। जैसे पहला दिया गया, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, डिज़ाइन एन अट्रैक्टिव सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिश लोकल न्यूज़पेपर, है ना, ये फॉर सेल का आपका पोस्टर है ना, और इसको भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप जहाँ प्लेलिस्ट में जाकर इसको ज़रूर देखें। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, योर स्कूल इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट से नो टू ड्रग्स। अब से नो टू ड्रग्स के ऊपर दिया गया है, तो से नो टू ड्रग्स का हो गया, बॉम ब्लास्ट का हो गया, है ना, उसके बाद में से नो टू पॉलीथीन का हो गया, इस प्रकार के बहुत से पोस्टर, है ना, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये सारे आपको राइटिंग स्किल के नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप देखिएगा। और वहाँ पर ये भी मैंने बताया है कि कैसे इनको बनाना है और कैसे इसको अट्रैक्टिव करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो यू आर कमल एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, यू हैव ऑर्गेनाइज्ड ए कैंपेन से नो टू पॉलीथीन, ये जैसे मैंने अभी बात की थी, तो ये भी आपको वहीं पर मिलेगा राइटिंग स्किल में। नेक्स्ट है, यदि आपने ये नहीं किया है और ये राइट अप करना है, तो ये करप्शन के ऊपर दिया गया है, ये फास्ट ग्रोइंग मेलडी, मेलडी का अर्थ होता है गंभीर रोग, क्या अर्थ होता है, गंभीर रोग। तो करप्शन क्या है, एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ गंभीर रोग है, इसके ऊपर आपको कंपोजिशन करना है, और कंपोजिशन में ये पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए। तो कंपोजिशन कैसे करना है, ये भी मैंने राइटिंग स्किल की प्लेलिस्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, तो ज़रूर देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यू आर अविनाश सिन्हा, है ना। तो ये मेल फंक्शनिंग के ऊपर है, लेक ऑफ फैसिलिटीज़, है ना, लोकल हॉस्पिटल में। इसको भी आप देख सकते हैं, हिंदी एक्सप्लेन करके मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा इसके अथवा में दिया गया है, जैसे लाउड स्पीकर बैंड का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ना। चेकआउट प्लेलिस्ट, राइटिंग स्किल्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 1000 फॉर स्कूल एंड हॉस्टल फीस, है ना, और बुक्स। तो ये लेटर लिखना है अपने पिताजी को। लेटर किस प्रकार से लिखना है, जैसे फॉर्मल लेटर कैसे होते हैं, इनफॉर्मल लेटर कैसे होते हैं, उनको कैसे लिखते हैं, उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें आपको राइटिंग स्किल के नाम से प्लेलिस्ट है उसमें मिलेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, क्योंकि बेल आइकॉन को आप दबाओगे तो जो भी वीडियोज़ हम बनाएंगे, अपलोड करेंगे, तो उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी और आप हमारे सारे वीडियोज़ से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में देखिए आप, वंडर ऑफ साइंस का निबंध दिया गया है, साइंस ए ब्लेसिंग और ए कर्स, ये वंडर ऑफ साइंस का निबंध है। देखिए पुराने पैटर्न पर आपकी एग्ज़ाम होगी, तो आपको ऐसे भी तैयार करना है। अब इस साल हमारा जो साल था, ये कोरोना वायरस वाला साल था, तो आप ये याद रखिएगा कि इस साल COVID-19 मीन्स कोरोना वायरस के ऊपर ऐसे, है ना, पूछा जा सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो कोरोना वायरस के ऊपर जो ऐसे है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और हिंदी में एक्सप्लेन करके उसका वीडियो जो है मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, राइटिंग स्किल के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें ये मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मैंने डाल दी है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, है ना। और एक कोरोना वायरस यानी कि COVID-19 के ऊपर मैंने एक आर्टिकल राइटिंग का वीडियो भी बनाया है, उसको भी मैंने डाल दिया है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा और उसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि संभावना है कि एग्ज़ाम में आ जाए। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में ग्रामर वाला पोर्शन रहता है। ग्रामर वाले पोर्शन मतलब सेक्शन सी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन और कैसे किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके मैंने कम से कम 40 से 50 वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो ग्रामर फॉर ऑल के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप देखिएगा, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माई फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली इन एट इनटू, मेरा मित्र न्यू दिल्ली में रहता है। तो न्यू दिल्ली क्या है, एक बड़ी जगह का नाम है। जब हम किसी बड़े स्थान की बात करते हैं तो उसमें हम इन का प्रयोग करते हैं। वर्क हार्ड लिस्ट यू फेल वुड कुड शुड, तो यहाँ पर मैं आपको कीवर्ड बताता हूँ, लिस्ट, है ना, और शुड, इन दोनों का जोड़ा रहता है। ठीक है, जोड़े के लोग हैं, जोड़े में रहते हैं, तो लिस्ट और शुड क्या है, जोड़े में रहते हैं। तो वाक्य में जैसे ही आपको इधर लिस्ट दिखाई दे और रिक्त स्थान दिया जाए और ऑप्शन में यदि शुड हो तो आपको शुड लगा देना है, और इसका अर्थ निकल रहा है कठोर परिश्रम करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राम प्रिफर्स मिल्क टी, है ना, तो यहाँ पर आएगा टू। प्रिफर एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू लेके चलती है, जैसे प्रिफर है, प्रायर है, इन्फीरियर है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, ये सारी चीज़ें अपने साथ क्या लेके चलती है, फिक्स प्रीपोजिशन टू लेके चलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर डेविड इज यूरोपियन, इसके उच्चारण को हमें देखना है। अब इसमें होता क्या है कि इसकी शुरुआत हो रही ई से, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं जो ई जो है ये साइलेंट रहता है और इसका उच्चारण होता है यूरोपियन। तो किसी नाउन के उच्चारण की शुरुआत यदि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो, जैसे क ख ग से लगाकर क्षत्रज्ञानी तक, तो उसमें हम ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आई हैव रिक्त स्थान फ्रेंड्स मच और मेनी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है ये काउंटेबल है, और काउंटेबल जब रहता है तो काउंटेबल में हम मेनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड है, डू एज डायरेक्टेड में आपको 5 करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे पहला दिया गया है, ए एप्पल एन डे द कीप्स अवे डॉक्टर, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, एज ए होमवर्क आपको दे रहा हूँ, और इससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आपने वीडियो को कहाँ तक देखा है और कितना देखा है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये मेरा होमवर्क करके मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, ही डज हिज ड्यूटी चेंज इन टू नेगेटिव, इसको नेगेटिव करना है। अब नेगेटिव मतलब नकारात्मक, नकारात्मक करना है, तो ये एक इस प्रकार का सेंटेंस है जिसमें पहले ही डू डिड या डज दिया जाता है, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम नेगेटिव कैसे करें, इसका एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है ना, वो तो आपको देखना ही है। साथ ही इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ और ट्रिक भी बता देता हूँ। इसकी ट्रिक ये है
कि सेंटेंस में यदि पहले से ही डू, डिड या फिर डज दिया जाता है और सेंटेंस को यदि नेगेटिव करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जहाँ पर डू, डिड या डज दिया जाता है उसके आगे आपको नॉट डू लगा देना है और पूरा सेंटेंस ऐसा कैसा ही। तो इसका आंसर हो जाएगा ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। ठीक, चाहे भले ही डू आए, डिड आए या डज आए, ठीक, यदि सेंटेंस को नेगेटिव करना हो तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फैन इज हाई, आई कैन नॉट टच। कंबाइन दिस सेंटेंस बाय यूजिंग कंजंक्शन सो दैट, मतलब सो दैट का प्रयोग करके इसको कंबाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस में दिया गया है हाई, और हाई क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो सो दैट का एक रूल रहता है कि जो हाई है, है ना, एडजेक्टिव है, इसके पहले हमें सो लगाना है और दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगाना है। ठीक है, कई सेंटेंस में ऐसा रहता है कि जो एडजेक्टिव रहते हैं उसके पहले वेरी दिया जाता है, तो उस वेरी को हटाकर हमें क्या लगा देना है, सो। अब वेरी नहीं दिया गया है तो इस एडजेक्टिव के पहले ही लगाएंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, मतलब इफ का प्रयोग करना है, माफ कीजिएगा, अनलेस का प्रयोग करना है इफ के स्थान पर। तो जहां पर इफ है वहां पर अनलेस लगा देंगे, और जब वाक्य से इफ हटता है तो वाक्य में जो डू नॉट या डिड नॉट दिया जाता है, डू नॉट, डिड नॉट या डज नॉट, तो हम उसको भी हटा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फाइव दिया गया है, सीता डज नॉट सिंग, और माफ कीजिएगा, सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस, नाइदर नॉर का प्रयोग करना है। नाइदर नॉर का अर्थ होता है ना तो ये और ना ही ये। अब देखिए नाइदर जो है ये अपने आप में नेगेटिव सेंस देता है, तो सेंटेंस से हम क्या करेंगे, डज नॉट को हटाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर सीता सिंग नॉर डांस। ओके, सीता ना तो गाती है और ना ही नृत्य करती है। इस प्रकार के वीडियोज़ यदि आप चाहते हैं कि कैसे नाइदर नॉर का प्रयोग करना है, कैसे आइदर और का प्रयोग करना है, कैसे क्वेश्चन टैग होता है, कैसे नरेशन होता है, कैसे एक्टिव इनटू पैसिव होता है, तो ये सारे वीडियोज़ हमारे इस चैनल के माध्यम से हमने सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, और उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है ग्रामर फॉर ऑल के नाम से। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, उन वीडियोज़ को, है ना, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सके। अगला क्वेश्चन है मिस्टर गुप्ता टीचर्स हिंदी, मिस्टर गुप्ता हिंदी पढ़ाते हैं, इसको पैसिव वॉइस में करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है, तो दिया गया सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, और दिया गया एक्टिव वॉइस सेंटेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट का हो तो जब हम इसको नेगेटिव करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और वो होती है इज, एम, आर। और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। चलिए शुरू करते हैं, इसका आंसर होगा हिंदी इज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म टी ए यू जी एच टी, टॉट बाय मिस्टर गुप्ता। एक्टिव इनटू पैसिव के भी वीडियोस मैंने बनाकर इस सारे टॉपिक को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लीट करके प्लेलिस्ट में डाल दिया है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लेलिस्ट में जाकर भी आप इनके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सातवा, ही सेज, इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है, ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज होमवर्क, चेंज द नरेशन, मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दिया गया है जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस की है, मतलब प्रेजेंट टेंस की है, मतलब से में एस लगा हुआ है तो प्रेजेंट का हुआ, और रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा ही सेज दैट ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज होमवर्क, ऐसा कैसा ही आएगा, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा हटकर दोनों वाक्यों के बीच में दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, नरेशन के भी सारे वीडियोस, है ना, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन विद एग्जांपल मैंने करके प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं नरेशन के, तो उसकी भी मैं लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब सेक्शन डी की बात करते हैं, तो सेक्शन डी में एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं और क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, चलिए शुरू करते हैं। जैसे द वंडरफुल एयर इज ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, इट वॉक्स ऑन वाटर एंड विल्स द हिल्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, इस लाइनों को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे द अपोजिट
ऑफ द वर्ड बॉटम, बॉटम का अपोजिट क्या होता है, तो अपोजिट मतलब विलोम। बॉटम का अर्थ होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, तो इस वस्तु का सबसे निचला हिस्सा जो है ये बॉटम है, और इसका सबसे ऊपरी हिस्सा जो है उसको बोलते हैं हम टॉप। क्या बोलते हैं? टॉप। तो इसका उल्टा हो जाएगा, बॉटम का टॉप। ठीक है दोस्तों, अगला है द वर्ड राइम विथ ट्री। ट्री का राइमिंग वर्ड क्या होगा? तो इसका राइमिंग वर्ड होगा मी। अगला क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच एक्सट्रैक्ट हैज बिन टेकन। ये लाइनें किस पोएम से ली गई हैं, उसके पोएट का नाम लिखना है, मीन्स उसके कवि का नाम लिखना है। तो बुक उठाइए और इन लाइनों को सर्च कीजिए, मेहनत कीजिए और मेहनत का फल पाइए, है ना, और मुझे कमेंट्स करके बताइए। अगला है येट डियर इज फार फ्रॉम चीप। इसको अच्छे से आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि किस पोएम से ये ली गई है और इसके राइटर का नाम क्या है ना। जंपर इज अ थिंग यू वियर, येट जंपर हैज टू लीप, है ना। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वर्ड डियर। डियर का अपोजिट क्या होता है? डियर का अर्थ होता है प्रिय, और डियर का एक और अर्थ होता है ना, तो वो होता है महंगा। क्या अर्थ होता है? महंगा। तो डियर का अर्थ होता है महंगा, तो इसका अपोजिट क्या होगा? चीप। चीप का अर्थ होता है सस्ता या फिर घटिया, तो ऑप्शन नंबर टू इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द वर्ड जंपर हैज टू मीनिंग। इट्स वन मीनिंग इज वन हु जंप्स, व्हाट इज द सेकंड मीनिंग। जंपर एक शब्द है, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो अर्थ होता है कि कूदने वाला, जंप मतलब कूदना, और दूसरा जो होता है वह होता है ए वुमेन्स लूज आउटर गारमेंट्स, एक कपड़ा जो कि महिलाएं पहनती हैं, ठीक है, कपड़ों के ऊपर एक और कपड़ा पहनती है, उसको हम बोलते हैं जंपर। अगला क्वेश्चन है नेम द पोएम फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज बिन टेकन। पोएम का नाम लिखना है, तो पोएम का नाम है द इंग्लिश लैंग्वेज, चैप्टर नंबर 16, 16वां चैप्टर। बाकी ये क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने हिंदी एक्सप्लेन करके प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12th इंग्लिश के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो इन क्वेश्चंस के सारे आंसर आप अच्छे से वहाँ से तैयार कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, साथ ही आपके फ्रेंड्स रिलेटिव क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें। पिछले वीडियोस यदि नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, मैंने सभी टॉपिक की सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, है ना, या फिर आपको PDF चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, जो भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनली कॉन्टैक्ट मीन्स व्हाट्सएप करने के लिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर आप नोट कीजिएगा 9589661967। आपको कोई अधिक समस्या रहे, डाउट क्लियर नहीं हो रहा हो, तो उस स्थिति में ही आप मुझे व्हाट्सएप करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें, मन लगा कर पढ़ें। थैंक यू वंस अगेन।